हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है टू कार्स आर मूविंग इन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड वी, द रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ टू कार्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज। और यहाँ पे मैं चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने ये दो कार के आइकन्स ले रखे हैं। इस वाली कार को दे दिया नाम कार ए और इस वाली कार को दे दिया कार बी। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि जो दोनों कारें हैं वो स्ट्रेट लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद सेम स्पीड वी, और हमें स्पीड भी दे रखी है वी। तो गाइज हमसे पूछा गया रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू कार विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो गाइज हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कार ए की विद रेस्पेक्ट टू वी निकाल लेंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी कार ए की विद रेस्पेक्ट टू वी बी होगी वही वेलोसिटी कार बी की विद रेस्पेक्ट टू ए होगी। ठीक है गाइज, तो गाइस क्या करेंगे अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो हमारी कार ए है इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली वी ए इज इक्वल टू वी, और इसको मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में माना है, इस डायरेक्शन में गाइस पॉजिटिव माना है। फिर तो हम कार बी की जो वेलोसिटी मानेंगे वो नेगेटिव मानेंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वी बी इज इक्वल टू माइनस वी। ठीक है गाइस, क्योंकि जो हमारी कार बी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है कार ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे दोनों कार्स की वेलोसिटी फॉर्मूले में रख देंगे, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ रख दिया वी ए की जगह ने वी रख दिया है और वी वी की जगह रख दिया है माइनस वी। तो आप देख सकते हैं जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हमारा जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वी प्लस वी हमारा कितना होगा टू वी हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइस।